सुन सलीम कुरान उठा, सुन जोसेफ ईसा बुलवा ले, सुन रे रामू राम याद कर, सुन सलीम कुरान उठा, सुन जोसेफ ईसा बुलवा ले, तेजेंद्र गुरु ग्रंथ ले आ। सुन रे रामू राम याद कर, सुन सलीम कुरान उठा, तेजेंद्र सुन जोसेफ ईसा बुलवा ले, तेजेंद्र गुरु ग्रंथ ले आ। आओ मिलकर बैठे चारों और सभी ये बात विचारें, किसने हम में नफरत बोई, किसने खड़ी करी दीवारें। आओ मिलकर बैठे चारों और सभी ये बात विचारें, किसने हम में नफरत बोई, किसने खड़ी करी दीवारें। मेरे तेरे उसके दिल के बीच बना दीवार कौन है, मेरे तेरे उसके दिल के बीच बना दीवार कौन है, और जब सारे ही देशभक्त हैं तो फिर ये गद्दार कौन है, जब सारे ही देशभक्त हैं तो फिर ये गद्दार। उससे कहा जाता है आप कौमी एकता की बात करते हो, मैंने कहा नहीं, हिंदुस्तान में कौमी एकता की बात करना गलत है, कौमी एकता की बात नहीं करता मैं। क्यों नहीं करता साहब? क्योंकि एकता के बीच में अगर कौम आ गई तो एकता कभी हो ही नहीं सकती है। ये ताली बजाने वाली बात थी जो आपने खामोशी से सुन ली, कि हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, इस देश को इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है, हिंदू न चाहिए, सुने दादा, हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। या एक्टर हो, जब अदालत अपने फैसले सुनाती है साहब, तो किसी की पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाए, और वो भगत सिंह थे जिनको जब फांसी का फंदा उनके गले में डाला तो पहले उस शख्सियत ने उस फंदे को चूमा और तब अपने गले में अपने हाथों से डाला। मैं उस भगत सिंह की कविता नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उस भगत सिंह की वंदना कर रहा हूं। इस वंदना में अगर आप मेरे साथ हो गए तो मेरा यहां आना सार्थक हो जाएगा, बड़ी दूर से चलकर आप तक आया हूं। सुने कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित होकर, चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित होकर, अरे जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी। क्या बात है भगत सिंह का सौंदर्य वर्णन देखें आप, वाह, कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित होकर, जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेदम थी, गबरू सिख जवान भगत सिंह घबराता था शादी से। उसके पिताजी ने कहा, भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह जी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारे विवाह का समय आ गया, विवाह कर लो। भगत सिंह उसी रात एक पत्र तकिए के नीचे पिताजी के छुपाकर गायब हो गए। उस तकिए में, उस पत्र में क्या लिखा था साहब? उस पत्र में लिखा था, पिताजी मैंने विवाह कर लिया है और मेरी दुल्हन हिंदुस्तान की आजादी है। वाह क्या बात है, क्या जमाना, कि जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेदम थी, अरे गबरू सिख जवान भगत सिंह घबराता था शादी से, गबरू सिख जवान भगत सिंह घबराता था शादी से, अरे जिसने प्यार रचाया भी तो भारत की आजादी से, जिसने प्यार रचाया भी तो भारत की आजादी से। और एक गलतफहमी आपके बीच जो है, आकाश नौरंगी आज उस गलत फहमी को अभी की अभी दूर करने जा रहा है। कहाँ जा रहा है तू? बैठ नीचे, नीचे बैठ, बैठा उसको पकड़ के यार। भगत सिंह की वंदना चल रही है, जा रही है शादी से, जिसने ब्याह रचाया भी तो भारत की आजादी से। और जो गलत फहमी है वो ये है, आपको क्या लगता है साहब, वो जो अंग्रेज जिनका पूरे विश्व में राज था वो गांधी जी के डंडे से डरते थे, वो नेहरू की चालाकियों से डरते थे? नहीं साहब, मैं बताता हूं वो किससे डरते थे, कि ना नेहरू की चालाकी से ना गांधी के डंडों से, ना नेहरू की चालाकी से ना गांधी के डंडों से, ना टैगोरी चापलूसी ना जिन्ना के हथकंडों से,
ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना टैगोरी चापलूस, ना जिन्ना के हथकंडों से, अरे घोड़े जिसकी सिंह गरज से डरे डरे से रहते थे, एक शेर था आजादी का जिसे भगत सिंह कहते थे, एक शेर था आजादी का जिसे भगत सिंह कहते थे। तो मौत 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 सामने देख भी जिसका हृदय एक क्षण ना डोला, भगत सिंह भारत माता से झूम झूम कर ये बोला, क्या बोला, हो मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। और साहब भगत सिंह सिर्फ 6 वर्ष के थे, अपने पिता इतिहास पढ़ा है, इतिहास आप सबने पढ़ा होगा, आप जब इतने योग्य शिक्षक यहाँ बैठे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कितने योग्य आपके जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे होंगे। सरदार कृष्ण सिंह एक बार भगत सिंह को अपने खेतों में ले गए, उन्होंने देखा बच्चा कुछ रोपाई कर रहा है, कुछ बो रहा है। सरदार कृष्ण सिंह जी ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो, 6 साल का बच्चा संस्कार देखे। 6 साल के बच्चे भगत सिंह ने कहा, पिताजी हिंदुस्तान की जमीन पर बंदूकें बो रहा हूं, बंदूकें हैं। कृष्ण सिंह जी बोले, क्या करेगा। भगत सिंह ने कहा, पिताजी मैं बंदूकें बोऊंगा, इन बंदूकों के बीजों से बंदूकें उपजेंगी और उन बंदूकों के डर से हम गोरों को इस हिंदुस्तान से बाहर निकाल कर रखेंगे। क्या कमाल की शिक्षक है। कि जो बचपन में पला बड़ा था वीरों की परिपाटी में, जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी, लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में, लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में, जितनी लाठी उतनी गोली मारूंगा ठाना मन में। लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में, जितनी लाठी उतनी गोली मारूंगा ठाना मन में। राजगुरु को साथ लिए वो निकल पड़ा मतवाला था, राजगुरु को साथ लिए वो निकल पड़ा मतवाला था, आज भगत सिंह की आंखों में कार डोलने वाला था, उस गोरे पापी हत्यारे को जा रगड़ा माटी में, 8 गोलियां गिर कर दागी सैंडर्स की छाती में, 8 गोलियां गिर कर दागी सैंडर्स की छाती में। तो इनकलाब विदा देना मुझे, इनकलाब मेरे साथ गाके विदा देना तालियों के साथ, कि इनकलाब लेकर के निकला था जब वीरों का टोला, और भगत सिंह भारत माता से झूम झूम कर ये बोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। बहुत बहुत शुक्रिया, भारत माता की जय हो। खामोश भी है जिंदगी, खुशियां भरी खामोश भी है, ये रही मदहोश में तो होश भी है, स्नेह का सोपान तो विष्पान भी है, विघ्न का विस्तार तो वरदान भी। जिंदगी खुशियां भरी खामोश भी है, ये रही मदहोश में तो होश भी है, स्नेह का सोपान तो विष्पान भी है, और विघ्न का विस्तार तो वरदान भी। गंध का छल छंद का मंजर दिखाती, जिंदगी ही त्याग का मकसद बताती। गंध का छल छंद का मंजर दिखाती, जिंदगी ही त्याग का मकसद बताती, गुदगुदाती है मगर गमगीन भी है, सरलता के साथ ये संगीन भी है, बूंद के मानिंद भी है अंध भी है, जिंदगी लेकिन निरंतर जिंदगी है, जिंदगी लेकिन निरंतर जिंदगी। हाँ 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 बिल्कुल, मुलायम सिंह ही पैदा नहीं होते उस कड़ी में, एक बहुत बड़ा कड़ा यूपी से चल करके सूरी नगरी में जो सांस ले रहा है और राष्ट्रभक्ति की सांस ले रहा है, मैं समझता हूँ साहित्य में एक ऐसा ऑक्सीजन का सिलेंडर पाकर के हम तो वास्तव में धन्य हो गए। एक बहुत बड़ी संपदा के रूप में, हमारी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में अगर कहें, इस तरीके से ओजपूर्ण और ठेर दिल से अपनी काव्य पाठ करना कोई खाने का काम नहीं होता। हालांकि हमारे गर्ग साहब भी बहुत ही बेहतरीन तरीके की प्रस्तुति देते हैं साहब, हिंदी के लेक्चरर यहाँ पर, और एक से एक बढ़कर यहाँ पर आपके शिक्षक साथी, और हिम्मतराज शर्मा की यहाँ परंपरा, और जयदेव जी का एक अल्पकाल, और 1 तारीख से आप जो है वहाँ जा रहे हैं, नहीं जाने देना है,
मैं तो चाहता हूँ, मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि वहाँ नहीं जाएं। इतनी सुंदर सी संस्था, जो पहले आते थे तो रेत के अंबार यहाँ पर लगे रहते, लेकिन आज सीसी देख करके बहुत ही प्यार उमड़ता है। जयदेव जी, आपने जो ये सबका साथ और सबका विकास लेकर के जो स्कूल में जो चार चांद लगाए हैं, हम आपको बधाई देना चाहते हैं। मैं बहुत समय हो चुका है, अंतिम कवि के रूप में आपके सामने, मैं राजस्थानी इंग्लिश पढ़ाई मैंने ताज जिंदगी 84 का एमए इंग्लिश हूँ, लेकिन मैं हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ विराजे हुए हैं। हाँ बाबा, कहना मैं तो कह दो पेड़ कोई आप लोग हैं, दो चार गालियों बोली मैंने 40 साल में एक ही छोरों पास नहीं भी हो पढ़ाई पढ़ाई। अबे आप लेक्चरर आ इंग्लिश रहा, आप यहाँ इंग्लिश रो लेक्चरर मेरी ही हो आप, क्यों भाई अंग्रेज लोग अपनी हिंदी की धूड़ उड़ाई 200 साल तक, अबे अपने अंग्रेजी की भी धूड़ उड़ानी है क्यों बच्चों? इंग्लिश और राजस्थानी का बहुत ही बड़ा, ये दोनों बहने हैं और बहुत ही सहोदर बहने हैं। आप जाकर अपन कहते हैं कि छोरो बब्बू ही किया था बारे में ना उठे रही हो ने है जट इज रही हो है जट इज ने एज इट इज है जट इज ने एज इट इज। तो राजस्थानी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन देखिए, अबे मारवाड़ी में कहो गैली और इंग्लिश में जी ए आई एल वाई मीरा डांस द गियली, तो गांव गिने नहीं गैला ने गैलो गिने नहीं गांव में गैला रो मतलब है कि जो आपरा धुन रहे मोए जिस तरीके से मीरा कृष्ण भगवान भगवान में उनके प्रेम में जैसे दीवानी थी, उसका एक जुनून था, उस तरीके से जो गैला होता है हर चीज में आप गैला ही आपका जुनून होना चाहिए, तो निश्चित रूप से भगत सिंह का देशभक्ति का एक जुनून था। तो वो एक देश के लिए गेली होकर के वो उन्होंने अपना जीवन जिया। और मारवाड़ी में गेंदो जी आई एन गेन गेन मतलब कुछ प्राप्त करना, तो वो गेंदो है तो इंग्लिश हूँ बहुत बड़ो रिलेटिव रिलेटेड है। अबे छोरा ने मायान वीरेंद्र साहब बढ़ाया, देखो सा बच्चों देखो तुम्हारे अंदर बहुत वीकनेस का है। जो हमें सुबह मॉर्निंग दो महीने गाड़ी थोड़ी फांसी बैग धोनी, और मैंने उनको कहा, मैंने उनको स्पष्टली कह दिया, अब एल वाई स्पष्ट रहते एल वाई जो प्रयोग है ये भाषा का एक सांप्रदायिक सद्भाव है कि मार साहब यू का ही करो यार स्पष्टली कैसा, देखो ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है सभी भाषाओं को बिल्कुल मान सम्मान दिया जाना चाहिए, तो इस तरीके का इन्वेंशन हमारे वीरेंद्र शाह ने किया। आप इंग्लिश के लेक्चरर थे, आजकल इमैनुअल मिशन स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं, और वहाँ मोस्टली हमारे माली और घाचियों की महिलाएं जो अशिक्षित है कम पढ़ी लिखी है, तो उनको इमैनुअल मिशन स्कूल बोलना नहीं आता, कभी तो कहीं भाई जी थोड़े छोड़ो घटे पढ़े हो तुम्हारे वो एनिमल स्कूल में पढ़े, तो आप एनिमल स्कूल का प्रिंसिपल है, तो जहाँ एनिमल आते हैं और उनको तराश करके इंसान बनाना ऐसा पवित्र काम आप करते हैं, और दादी आप भी बिल्कुल ओरिजिनल है, आप दोनों कोई फिक्स छिपियोड़ी है नहीं, ये हमारी प्राण वायु है साहित्यकारों में ऐसे भरिया ओ भाई सारा ने चिड़कली राने ना कोयल भाई राने ना दोरो घनो ससरियो डबो डब भरिया हुराखी ने नौरी माँ के रे सा हुराखी ने नौरी पुतली जो जान मोतीड़ा सुमूंगी करी राखी नेना री पुतली जो जान मोतीड़ा सुमूंगी करी कर कर आचो लडायो घनो लाड भरी रे मन में गाड जीवन मीठो जहर दियो डब डब भरिया हो बाई सारा नैण चिड़कली रा नैण दोरो घनो ससरियो। स्वास्थ्य के बाद ठीक होनी इन वास्ते आप ज्यादा बोली हूँ मैं, और इन वास्ते माफी चाहू, बहुत बहुत बधाई, मैं बहुत मान सम्मान रखा थे स्टाफ के सभी सदस्यों के प्रति, और यहाँ के नागरिकगण के प्रति भी जो अभी तक जमे हुए हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ के लोगों में सोजत रोड के लोगों में
कविता के प्रति कितना लगाव है, कितनी समझ है। और हमेशा तो ऐसा होता है कि कवियों की कविता पाठ पर जनता ताली बजाती है। मैं आज चाहूंगा कि यहाँ की जनता के लिए ये सभी कवि ताली बजाएं। वीरेंद्र जी तीन बार पूछा रहे, एक बार मैं ही उठा, ये तो बड़ो मैं ही करूँ। तो मैं क्यों आपने बीच में मत जाऊँ मैं, लेकिन मैं आप सब धन्यवाद दूँ, सब कवियों के तरफ आपने धन्यवाद है। और जो कोई स्कूल में माने कवि सम्मेलन वास्ते जो कोई श्रेय दियो आप लोग, वे सब लाखों में एकमात्र है, धन्यवाद रहा पात्र है। मानी कविता में दम है कि दम है, लेकिन आपकी तारीफ करने की कम है, आप लोगों की तारीफ करने की कम है। इस अवसर पर मैं केवल एक मेरे मन की बात में रखना चाहता हूं। आज के बहुत से साल पहले न्याति नोरे में एक कवि सम्मेलन हुआ था, शायद याद हो। और उसके बाद में आज ये पहला अवसर है जबकि कवि सम्मेलन यहां पर हुआ है। मेरे मन की इच्छा है कि इस आयोजन के लिए जितने भी सहयोग देने वाले नागरिक बंधु हैं उनको मैं उत्तरदायित्व सौंपना चाहता हूं कि ये आयोजन हर वर्ष हो। जवानी गाती चल कि गहर गहर कर घुमड़ घुमड़ कर आज जवानी गाती चल, और गीत जीत के गीत विजय के आज जवानी गाती चल। तू जो छेड़े तांग अवनी पर भीषण सन्नाटा छाए, तू जो छेड़े तान अवनी पर भीषण सन्नाटा छा जाए, सिहरे धरती कांपे भूदर सागर में भाटा आ जाए, कांपे नीलांचल टकर जाए, मृत्युत्सव के गीत जीत के गीत गीत तू गाती चल, आज जवानी गाती चल, आज जवानी गाती चल। और ये जवानी को ये उद्बोधन मैं क्यों दे रहा हूं कि बहुत रही तू शांत शांति की प्रतिमा निश्चल, बहुत रही तू शांत शांति की प्रतिमा निश्चल, और बहुत रहा जग भ्रांत नहीं तुझ में कुछ भी बल, बहुत रही तू शांत शांति की प्रतिमा निश्चल, और बहुत रहा जग भ्रांत नहीं तुझ में कुछ भी बल। आज दिखा दे अपने अंतर का दावानल, आज दिखा दे अपने अंतर का दावानल, आज फूंक दे शंख छोड़ सपनों का आंचल, आज फूंक दे शंख छोड़ सपनों का आंचल, जो हो गया शहीद उसी के गीत जवानी गाती चल, जो हो गया शहीद उसी के गीत जवानी गाती चल, आज जवानी गाती चल, आज जवानी गाती चल। एक एक लय आज तेरी लावा बन जाए, एक एक लय आज तेरी ज्वाला बन जाए, और रक्त मुंड के मध्य आज तांडव हो जाए, एक एक लय आज तेरी ज्वाला बन जाए, और रक्त मुंड के मध्य आज तांडव हो जाए, खुले तीसरा नेत्र, खुले तीसरा नेत्र शंभु भी घबरा जाए, और शौर्य देखकर देव मनुज की स्तुति गाए, शौर्य देखकर देव मनुज की स्तुति गाए, तू अमरों की सदा संगिने, तू अमरों की सदा संगिनी, तूफानों से गहरा चल, आज जवानी गाती चल, आज जवानी गाती चल। सफर और ये कारवां यहीं संपन्न हो रहा है। मैं सभी को साधुवाद दे रहा हूँ, जितने भी महानुभावों ने जो सहयोग किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार, और सभी कवियों का भी आभार। कि सुनहरे ख्वाबों को आंखों में सजाए रखना, अब दूर तलक रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।